तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिंघम अगेन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो सिंघम अगेन जो है भाई अगस्त में रिलीज होने वाली थी। अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कि दिवाली पर ये मूवी रिलीज होगी, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई अब जो है मेकर्स जो है, क्योंकि शूटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है जिसके कारण जो है मूवी को पुश किया जा रहा है, चाहे कोई भी रीजन हो पर जो है अब दिवाली पर बताया जा रहा है ये मूवी रिलीज होने वाली है। अभी तक ये अपडेट है रिलीज को लेकर तो सिंघम अगेन की, जिसमें हमारे अक्षय कुमार सर भी हमें देखने को मिलेंगे, ऐसा कैमियो का रोल रहने वाला है। तो बात करेंगे यार, शूटिंग चल रही है अब सिंघम अगेन की, वो भी सॉन्ग की, उसको लेकर अपडेट निकल कर आई है जिसमें अक्षय कुमार सर भी होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मिड डे की तरफ से जो है भाई रिपोर्ट निकल कर आई है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि मतलब जो पूरी टीम है, अक्षय कुमार, अजय देवगन और जो है मतलब रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, मतलब एक डांस नंबर जो है मतलब शूट होने वाला है, जिसमें 400 से ज़्यादा जो है बैकग्राउंड डांसर हमें देखने को मिलने वाले हैं। अभी के लिए ये अपडेट आई है भाई निकल कर कि मतलब, और जो इसकी शूटिंग है, पहले बताया जा रहा था कि मतलब 15 अप्रैल से जो है शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, पर किसी कारण के वजह से जो है अब इसकी जो शूटिंग है वो 19 तारीख से जो है स्टार्ट होने जा रही है। मतलब 19 अप्रैल से जो है इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी और चार से पाँच दिन का ये शूट रहने वाला है। सॉन्ग की बात कर ले तो जो ये सॉन्ग रहने वाला है जिसमें हमें मतलब पूरी टीम देखने को मिलेगी, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, और बताया जा रहा है इस वाले जो ये सॉन्ग रहेगा ना, इसमें जो है हमें दीपिका पादुकोण नहीं देखने को मिलेगी। उसका कारण ये है कि दीपिका पादुकोण को मतलब प्रेग्नेंट है वो शायद, जिसके वजह से जो है वो शूट पर नहीं आ पा रही और शूटिंग नहीं कर पाएगी। तो इसी यही ये सारी चीज़ें जो निकल कर आई है भाई सिंघम अगेन से रिलेटेड, तो धमाकेदार सॉन्ग जो है शूट होने लग रहा है। तो देखते हैं यार क्या जो भी अपडेट आएगी, और भी इस मूवी से रिलेटेड, सिंघम अगेन से रिलेटेड आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगा। यार धमाकेदार जो है सॉन्ग होना चाहिए, अब वेट है कुछ मतलब जो है डांस नंबर है तो कुछ धमाकेदार होना ही चाहिए, ऐसे ही कुछ भी जो है इनको नहीं डालना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए तड़कता वड़कता कि हाँ भाई पता लगे कि बॉलीवुड में भी कुछ जो है धमाकेदार चीज़ें बन रही है, जैसे साउथ में, मतलब जो साउथ के मैं म्यूज़िक की बात करूँ ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक और मतलब वैसे जो नॉर्मल डांस नंबर्स रहते हैं वो मतलब अलग ही कैची रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ अब हमें देखने को मिल जाए ना बॉलीवुड में और मज़ा आ जाएगा। तो देखते यार ऐसा अगर कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये डांस रहने वाला है कोरियोग्राफ करेंगे गणेश आचार्य, और जो मतलब सारा सब कुछ जो है रोहित शेट्टी के नज़रों में रहने वाला है। तो देखते हैं भाई जो भी अपडेट आएगी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।